एक बार दो भाइयों का झगड़ा हो रहा था। उनके पिताजी झगड़ा देख करके जोर जोर से हंस रहे थे। दोनों भाई एक मकान के बंटवारे के लिए लड़ रहे थे। पिताजी को हंसता देख कर दोनों भाइयों ने पूछा, पापा आपको क्या हो गया? हम लड़ रहे हैं, आप हंस रहे हो। पिता ने कहा, बेटा तुम इसके चक्कर में पड़े हो, तुम दोनों कल मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अनमोल खजाना दिखाऊंगा। अगले दिन सभी एक बस की यात्रा के लिए तैयार थे। बस में अंदर चढ़े तो दो ही सीट खाली थी, जाने वाले तीन थे। पिता के पास में थोड़ी देर के लिए एक भाई बैठा, दूसरा भाई खड़ा रहा। कुछ घंटे बाद वे गांव में पहुंचे तो पिताजी उनको पुरानी हवेली पर लेकर गए। वहां जाकर पिताजी भावुक हो गए। हवेली खंडहर हो चुकी है, कबूतरों ने घोंसले बना लिए, झाड़ियां उग आई हैं। पिताजी रोते चले जा रहे थे और उनसे कह रहे थे, देख रहे हो हवेली, इस हवेली में तुम्हारा बचपन बीता है। इस हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई से लड़ाई की, मरने मारने पर उतारू हो गया जैसे कल तुम लड़ रहे थे। आज हवेली तो मुझे मिल गई थी लेकिन भैया विदेश चले गए, मुझसे कहा तू ये मकान रख, रिश्ता खत्म। मैंने अपने भाई को खो दिया इस हवेली के चक्कर में और आज ये हवेली खंडहर बन चुकी है। तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो जमीन तो खंडहर हो जाएगी लेकिन रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। जिस बस की सीट पर बैठकर आए वो क्या जीवन भर के लिए तुम्हारी हो सकती है? भाइयों ने कहा, नहीं, क्या बात कर रहे हो आप, बस में सवारी बदलती रहती है। पिताजी ने कहा, बस यही जिंदगी है, सवारी बदलती रहेगी। जो चीज थोड़ी देर के लिए मिली है उसके लिए झगड़ना बंद करो, खुश रहिए, मोहब्बत से रहिए।